इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल मुकाबला जारी है। इस फाइनल मुकाबला को एक दिन कल समाप्त होगा। पहले दिन को खेल खत्म होना तक टीम इंडिया बहुत ही पीछे चल गई। पहले दिन का खेल की बात करें तो पहले दिन तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 327 रन बना लिया और 3 विकेट गिर रही। अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का 7 विकेट बाका हाथ में ही, तो इंडिया की टीम दूसरे दिन 7 विकेट जितना जल्दी गिराएगी उतनी टीम इंडिया के लिए फायदा होगा, वरना टीम इंडिया इस मैच से बहुत ही दूर चली जाएगी। ऑस्ट्रेलिया आली पारी की बात करें तो ट्रेविस हेड ने शानदार पारी खेली है। ट्रेविस हेड 156 बॉल में 145 रन बना के क्रीज पर मौजूद है और विकेट सागर स्टीव स्मिथ भी 95 रन बना के क्रीज पर विकेट सागर जुड़ रहे हैं। अगर बात करें भारतीय टीम का बॉलर के बारे में तो भारत की टीम का तीनों फास्ट बॉलर ने एक एक विकेट आपके नाम करे है। टीम इंडिया के लिए पहले विकेट मोहम्मद सिराज ने निकालो, मोहम्मद सिराज उस्मान ख्वाजा को विकेट निकाले हो और टीम इंडिया ने अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन बाद में डेविड वॉर्नर और मार्श लबुशेन के बीच में गुणेतर रन की पार्टनरशिप होगी और यह पार्टनरशिप बाद में शार्दुल ठाकुर ने तोड़ी। शार्दुल ठाकुर के बाद में एक विकेट निकाले हो मोहम्मद समीन है, लेकिन ये 3 विकेट लेने के बाद में टीम इंडिया विकेट लेने के लिए तरस गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद ही और दोनों के बीच में 251 रन की पार्टनरशिप होगी। अब अगर टीम इंडिया आज को खेल शुरू होता ही स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड को विकेट निकालेगी तो ही टीम इंडिया मैच में वापसी कर सकेगी। अगर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 450 रन से कम में रोक लेती है तो टीम इंडिया मैच में बरकरार रहती, वरना इस बार भी वर्ल्ड कप आली ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथ से निकलती जा रही है। तो देखना पड़ती है कि आज के दिन टीम इंडिया यू मैच बचा। अगर थाने वीडियो चोखा लगे हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल सब्सक्राइब करियो।